नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नामांकन भरने की मिली सुविधा। बिहार में गाइडलाइंस के साथ कल मनेगा मुहर्रम। चारा घोटाले मामले में अब पटना में भी होगी सुनवाई। भागलपुर के कहलगांव में बाढ़ ने तोड़ा सड़कों से संपर्क। नल जल कनेक्शन पहुंचाने के मामले में बिहार ने यूपी को पछाड़ा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बीपीएससी के जरिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की होगी बहाली। अब बीपीएससी के जरिए राज्य के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 45,892 प्रधानाध्यापकों को सीधे नियुक्ति मिलेगी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर मुहर लग गई। इसके तहत प्राथमिक स्कूलों में 40,558 पदों पर प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। ये पहली बार है जब प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति बीपीएससी करेगा, जबकि उच्च माध्यमिक स्कूलों में 5,334 प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। यह प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगी। बता दें कि बीपीएससी के द्वारा आहूत प्रतियोगिता परीक्षा में केवल शिक्षक ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक बनने के लिए आवेदक को 8 सालों तक सरकारी स्कूल का शिक्षक रहना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए अपने मूल कोटे में 8 साल तक सरकारी स्कूल के शिक्षक, जबकि निजी विद्यालयों में 12 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नामांकन भरने की मिली सुविधा। बीते दिन कैबिनेट मुहर लगने के बाद से पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई। घोषणा के मुताबिक 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को पहली बार ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए यह सुविधा पहली बार बहाल की गई है। प्रत्याशी चाहे तो आधिकारिक वेबसाइट http://sec.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन को सकते हैं। इस बार 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जबकि 24 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग के बाद 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार में गाइडलाइंस के साथ कल मनेगा मुहर्रम का त्यौहार। मुस्लिम धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण त्यौहार मुहर्रम कल यानी कि गुरुवार को सादगी के साथ मनाया जाएगा। बिहार सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार मुहर्रम पर किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। ताजिया या फिर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। घरों में ताजिया या फिर अलम को स्थापित किया जा सकता है। इस दौरान जगह जगह पर पुलिस बलों की भी तैनाती की जाएगी। बताते चले कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम साल का पहला महीना मुहर्रम होता है, जिसके 10वें दिन आशूरा होता है और इसी दिन मुहर्रम को मनाया जाता है। बिहार के 25 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित मरीज। सूबे में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में कमी आने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिन के पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक 25 जिलों में एक भी नए कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं, जबकि 1,33,137 लोगों की जांच में मात्र 21 लोग नए संक्रमित पाए गए। इसमें सबसे अधिक पटना से 4 मामले आए, जबकि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गोपालगंज से 2-2 संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 30 मरीज बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 203 हो गई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। बिहार में बीते दिन उप मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों को सख्ती के साथ चेतावनी दी है। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद डिप्टी सीएम ने कड़ाई से कहा कि जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए हम सब सरकार में बने हैं, इसलिए सभी अधिकारी जनता की समस्याओं का निपटारा प्राथमिक स्तर पर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए। इस दौरान जनता दरबार में दैनिक मजदूरों की समस्या, वासगीत पर्चा, बिजली ट्रांसफार्मर समेत अन्य समस्या को लेकर लोग पहुंचे थे। चारा घोटाला मामले में अब पटना में भी होगी सुनवाई। रांची के बाद अब पटना में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उनके खिलाफ बिहार में दर्ज चारा घोटाले के आधे दर्जन मामलों की सुनवाई सीबीआई के स्पेशल जज करेंगे। इसके लिए सीबीआई के स्पेशल जज की तैनाती भी कर दी गई है। बताते चले कि फिल वक्त झारखंड के डोरंडा कोषागार के चारा घोटाले मामले में भी रांची की सीबीआई कोर्ट में बहस जारी है। ऐसे में लालू यादव पर सजा का डबल खतरा मंडरा रहा है। बताते चले कि साल 1996 में बांका और भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव समेत कई नेता व अधिकारी को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले की सुनवाई बिहार में होनी है।
ग्रेजुएशन पास छात्राओं के स्कॉलरशिप के लिए रुपए हो गए जारी। ग्रेजुएशन पास करने पर स्कॉलरशिप की राशि का इंतजार करने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार ने 36 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान जारी कर दिया है। अब जल्द ही ग्रेजुएशन पास छात्राओं के लंबित प्रोत्साहन राशि को उनके बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इस शैक्षणिक सत्र से हर ग्रेजुएशन पास छात्रा को 50,000 रुपए मिलेंगे। बताते चले कि सरकार ने चालू और बीते दो वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट 200-200 करोड़ का रखा था। इस योजना के तहत अभी 2019-20, 2020-21 और जुलाई 2021 तक 2,37,890 बालिकाओं के आवेदन लंबित है, जिन्हें रुपए अब जल्द ही मिल जाएंगे। पटना IGIMS में अब मरीजों को मिलेंगे इस चार नई सुविधाएं। राजधानी पटना में स्थित IGIMS अस्पताल में चार नई सुविधाओं का बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री के हाथों उद्घाटन हुआ। इसके तहत सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब यहां क्षतिग्रस्त रेटिना का तुरंत इलाज हो सकेगा। इसके लिए यहां डायबिटिक रेटिनोपैथी समेत रेटिना की तमाम बीमारियों की जांच के लिए OCT एंजियोग्राफी मशीन लगाई गई है। इसके अलावा 20 की LD लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट सुविधा का उद्घाटन किया गया है। साथ ही प्लांट को ऑक्सीजन पाइपलाइन से भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही साथ करीब 10,000 फीट में बने 3 मंजिले कैफेटेरिया को भी शुरू किया गया है, जहां बैठकर खाने पीने और तमाम तरह की सुविधाएं यहां पे मिलेंगी। नल जल कनेक्शन पहुंचाने के मामले में बिहार ने यूपी को पछाड़ा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत हर राज्य में ग्रामीण नल जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना है, जिसमें अपने राज्य बिहार ने बाजी मार ली है। मिशन को शुरू होने में लगभग 2 साल पूरे हुए हैं, तब से लेकर अब तक बिहार ने शीर्ष 4 राज्यों में जगह बनाई है। 2 सालों में बिहार के ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के मामले में 86.96% घरों में लाभ पहुंचा है। इससे बिहार टॉप 4 के राज्य में शामिल हो गया है। बिहार से प्रदर्शन करने में गोवा में 100%, तेलंगाना में भी 100% और हरियाणा में 99.24% काम पूरा हुआ है। खास बात यह है कि इस मामले में बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी फिसड्डी साबित हुआ है। नालंदा की अपर्णा ने बिहार से केरल तक का सफर साइकिल से करके रचा इतिहास। बिहार से केरल राज्य अगर जाना हो तो ट्रेन का सफर करके भी जाना भारी लगता है, लेकिन नालंदा की बेटी अपर्णा ने 3,306 किलोमीटर का यह सफर साइकिल से कर डाला है। अपर्णा ने ग्रीन इंडिया अभियान के तहत 28 दिनों में 8 राज्यों से होकर साइकिल चलाकर बिहार से केरल तक का सफर तय किया था। सफर के बाद बीते दिन ही ग्रीन गर्ल अपर्णा बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं के साथ उसका स्वागत किया। बताते चले कि 14 जुलाई को ही अपर्णा अपने सहयोगी उत्पल कांत कुशवाहा के साथ बिहार शरीफ के मेघी नगमा गांव से इस मिशन पर निकली थी, जिसके जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना उद्देश्य था। भागलपुर के कहलगांव में बाढ़ ने तोड़ा सड़कों से संपर्क। सूबे के भागलपुर जिले में कहलगांव के शहरी हिस्से में गंगा नदी का पानी घुस चुका है। इससे जिन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक कहलगांव प्रखंड के 7 पंचायत को बाढ़ ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जबकि 4 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को यहां गंगा का जलस्तर 32.55 मीटर पर जा पहुंचा था, जो कि खतरे के निशान से 1.46 मीटर ऊपर हो गया है। वही आज रात 10 बजे तक में इसका लेवल 32.61 मीटर पर पहुंच जाने का पूर्वानुमान किया गया है। यहां 34 गांव को सामुदायिक किचन के लिए चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें से 23 स्थानों पर सामुदायिक किचन की शुरुआत हो चुकी है। तेजस्वी ने हवाई सर्वेक्षण की जगह विमान को राहत में लगाने की दी नसीहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण करने पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई है। बीते दिन तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के दियारा का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं सीएम नीतीश कुमार के एरियल सर्वे पर उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ के इंतजाम पूरे करने में सरकार नाकाम रही है, लोग राहत कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को विमानों से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बजाय उन हवाई जहाजों को बाढ़ राहत के काम में लगा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में हवाई जहाज से खाने पीने और जरूरी सामानों को घरों में गिराने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर बाढ़ पर राजनीति करने के लगाया आरोप। सूबे के 38 जिलों में से 8 से अधिक बाढ़ की चपेट में आए हैं। इस बीच बाढ़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी जारी हैं। एक तरफ विपक्षी नेताओं द्वारा नीतीश सरकार की कार्यशैली और हवाई सर्वेक्षण करने पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जदयू संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीएम के समर्थन में आए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता पर सवाल उठाना चाहिए कि वे किस तरह से बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाते थे। वहीं उन्होंने प्राकृतिक आपदा की घड़ी में भी विपक्ष पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया।
राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की बनी संभावना। राज्य में आज उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इन हिस्सों में खासकर पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में 21 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी है। अभी तक 790 मिलीमीटर से अधिक की बारिश हो चुकी है। वहीं बिहार के पास से मानसूनी ट्रफ लाइन गुजरने के कारण अगले 2-3 दिनों में बारिश के आसार रहने वाले हैं। आज का दिन कप्तान कोहली के लिए इस मायने में है खास। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन ठीक 13 साल पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। कोहली ने आज ही के दिन भारत के लिए अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। हालांकि क्रीज पर उनका पहला दिन ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि कोहली ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में सिर्फ 12 रन बनाए थे। इन बीते 13 सालों में विराट कोहली से बेहतर कोई भी एक दिवसीय बल्लेबाज नहीं देखा गया है। वनडे इंटरनेशनल मैचों में अब तक उन्होंने 43 शतक जड़े हैं। उन्होंने अब तक 254 एक दिवसीय मैच खेले हैं। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के लिए एक लंबा समय लेते हुए 11 चरणों में पूरा कराने का फैसला सही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।